हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवी के एक कविता साथी हाथ बढ़ाना। कवि है साहिर लुधियानवी। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है, हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, कवि ने इस कविता में हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित किए हैं। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया तब तब उसे सफलता मिली। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपनी, फौला दी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर साथी का अर्थ होता है साथ देने वाला, दोस्त। हाथ बढ़ाना का अर्थ मदद करना। बोझ का अर्थ है भारी वस्तु। मेहनत वाले यानी परिश्रमी, मेहनती। और कदम बढ़ाना यानी आगे चलना। पर्वत का अर्थ है पहाड़, शीश का अर्थ है सिर, माथा। फौलाद यानी लोहे की तरह मजबूत। और सीना का अर्थ है छाती। और चट्टान का अर्थ है कड़े पत्थर। पैदा कर दे राह यानी रास्ता निकाल दे। साथी हाथ बढ़ाना गीत में इन पंक्तियों में साहिल लुधियानवी जी ने बताया है कि काम करने में सभी को मिलकर करना चाहिए। अकेले कार्य करने में व्यक्ति थक जाएगा, उसका कार्य पूरा नहीं होगा। किसी काम को पूरा करने में सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। कवि सभी को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति ने जब भी मिलकर कार्य किया है तो बड़े से बड़ा कार्य संपन्न हुआ है। यदि हम मिलकर कार्य करते हैं तो समुद्र में भी राह निकल पड़ती है और पहाड़ों को भी अपने बल से गिराया जा सकता है। हमारे सीने और बाहें फौलादी है, हम इतने मजबूत हैं कि चट्टानों को भी तोड़कर अपनी राह निकाल सकते हैं। अतः हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। ये पंक्तियाँ साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत से ली गई हैं। इसकी रचना साहिल लुधियानवी ने की है। इन पंक्तियों में मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी गई है और इसके लाभ भी हमें बताए गए हैं। अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर कार्य किया है वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है। हम चाहे तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। बस हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें मिलजुल कर कार्य करने के लिए कहा है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कलगेरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर लेख की रेखा का अर्थ है भाग्य का लिखा, गेरों का अर्थ है परायों, और खातिर का अर्थ है के लिए, मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, नेक का अर्थ है भलाई, अच्छा, और सुख यानी खुशी।
अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मेहनत हमारा भाग्य है, यही हमारा जीवन संवारेगी। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरों को मिला। आज हम आजाद हैं और हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का द्वार खोलेगी। अब हमारा सुख दुख एक है। हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। इसके लिए हमें साथ मिलकर कार्य करना होगा। यहाँ पर कवि हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि परिश्रम ही हमारी नियति है, अतः परिश्रम से क्या डरना। हम दूसरों के लिए परिश्रम करते रहते हैं, आज हमें अपने लिए परिश्रम करने की आवश्यकता आ पड़ी है। हम मजदूरों का दुख सुख एक है, हमारे लक्ष्य एक है, हमारी मंजिल सच्चाई के मार्ग पर जाती है। हमें सही राह पर चले रहना है, अतः हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, क्योंकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वहीं सुख में ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और अपनी मंजिल को सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए। अतः यहाँ पर कवि ने हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर कतरा का अर्थ होता है पानी की बूंद, दरिया का अर्थ होता है सागर, जर्रा का अर्थ होता है कण, सहरा का अर्थ होता है रेगिस्तान, राई का अर्थ होता है सरसों, इंसा का अर्थ होता है इंसान मनुष्य मानव, और किस्मत का अर्थ होता है भाग्य नसीब। ये पंक्तियां साहिल लुधियानवी जी द्वारा रचित साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत के अंतिम पंक्तियां हैं। इनमें एकता और सहयोग की महत्ता को दर्शाया गया है। एक एक बूंद पानी मिलकर नदी का रूप ले लेता है, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, राई यानी जो सरसों का कण है राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाते हैं। ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है। बस इसके लिए केवल साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है। यहाँ पर कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है, छोटे छोटे अंश को मिलाकर सहरे का निर्माण होता है, छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर कार्य करे तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। इसीलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसीलिए तो कवि ने कहा है साथी हाथ बढ़ाना, क्योंकि मिलकर कार्य करने से हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया है, एक एक बूंद मिलकर जल बन जाते हैं, नदी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार एक एक कण मिलकर पर्वत बन जाता है। इस प्रकार मनुष्य चाहे तो दृढ़ प्रतिज्ञा होकर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यदि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहे तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम जीत सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कवि ने हमें आह्वान दिया है कि साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।